कौन रच रहा है लालू परिवार को खत्म करने की साजिश? आखिर किसके निशाने पर है लालू परिवार? महागठबंधन टूटने के बाद से ही आरजेडी और जेडीयू के रिश्ते बेहद तल्ख हो गए हैं। दोनों ओर से जुबानी जंग तेज हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर इस कदर तेज हो गया है कि नेता अपने शब्दों की मर्यादाएं भूलते नजर आ रहे हैं। हाल ही में लालू यादव और उनके दोनों बेटों ने अपनी रैली में नीतीश कुमार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा था, और अब लालू यादव की पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कुछ ऐसा बयान दिया है जिस पर आने वाले दिनों में सूबे की सियासत एक बार फिर से गरमा सकती है। दरअसल एक न्यूज चैनल से बात करने के दौरान राबड़ी देवी ने कहा कि सभी लोग मिलकर मेरे परिवार को खत्म करना चाहते हैं, हमें डराना चाहते हैं, लेकिन हम डरने वालों में से नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हमारे परिवार को गोली भी मार दी जाएगी, फिर भी हम झुकने वालों में से नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पर निशाना साधते हुए राबड़ी देवी ने कहा कि केंद्र और राज्य में इन्हीं लोगों की सरकार है, कोई भी जाँच ठीक से नहीं हो रही। बकौल राबड़ी देवी, बीजेपी के निशाने पर उनका छोटा बेटा तेजस्वी यादव है। उन्होंने कहा कि मेरे परिवार को खत्म करने की साजिश रची जा रही है, लेकिन बिहार की जनता हमारे साथ है। राबड़ी देवी यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि हम हर हालात से मुकाबला करने को तैयार हैं और देखना चाहते हैं कि ये लोग हमें कितना परेशान करते हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।